यस सॉरी ओके सबसे पहले जो फिल्म जो है बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, आज जो है स्क्रीनिंग रखी गई है, स्पेशल स्क्रीनिंग, यस, नर्वस, एक्साइटेड, क्या क्या फीलिंग है? देखिए, एक्साइटेड तो मैं था, और आज सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि दादा का, मुझे जो बप्पी दा का, मैं बहुत ज़्यादा, मैं एक्चुअली उनको मिस कर रहा हूँ, और हर पिक्चर में, हर प्रीमियर में मेरे साथ रहते हैं दादा, पर आज नहीं है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बैड फील कर रहा हूँ कि नहीं है वो मेरे साथ, बट इसके लिए मेरे बहुत सारे यहाँ पर फ्रेंड्स आए हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि मतलब ये फिल्म देखें, क्योंकि दादा की जो बप्पी दा की आखिरी फिल्म थी ये, प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, और उन्होंने ये इसमें एक गाना भी गाया है, सेलेक्ट और रिजेक्ट वाला, और दादा का ये कहना था कि ये फिल्म मेरे बहुत दिल के करीब है, और जो ये गाना जो मैंने गाया है और जो कंपोज़ किया है, ये गाना बहुत अच्छा है, और फाइनली ये पिक्चर वो चाहते थे कि ये रिलीज़ हो और लोग इस पिक्चर को देखें, बट दादा के आशीर्वाद से ये पिक्चर आज रिलीज़ हो रही है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, और ये सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं और आज ये पिक्चर देखने। ट्रेलर काफ़ी कमाल का लग रहा है, किस तरह का रिस्पांस आप देख रहे हो ये ट्रेलर का? देखिए, आज की डेट में जो ट्रेलर है प्यार में थोड़ा ट्विस्ट का, वो 35 मिलियन क्रॉस कर दिया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी लोगों को और पसंद आएगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि बप्पी दा आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स इस फिल्म के साथ हम सबके साथ हैं, और जैसा कि आपने बताया कि उनका आखिरी गाना फिल्म में है, तो डेफिनेटली इट्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, द फिल्म, फॉर द एक्टिंग, for the music, and I have seen the trailer and I'm really excited kyunki trailer was amazing. And what is the one thing you like the most about the trailer? Inki acting, aur I really liked jo usme comical parts hain. Main bahut excited hu dekhne ke liye ki aakhir hai kya, kya story hai, mujhe bahut maza aane wala hai. Manju ji, as a producer kya kehna chahenge, bubbles hai ya fir kya, kitni nervousness hai, aur Bappi da aaj hamare beech mein nahi rahe, गाना भी है, उन्होंने कंपोज भी किया है गानों को, क्या कहना चाहेंगे, कितना मिस कर रही है और फिल्म को लेकर कितनी नर्वसनेस? सो एज़ यू नो ऑल ऑफ यू कि ये एक ट्रिब्यूट है दादा के लिए, और उसी के लिए हम सब यहाँ आए हैं, और स्पेशल स्क्रीनिंग दादा की, दादा को हम एक कभी भूल नहीं सकते हैं, और उनको हमेशा अपने दिल में, हमारी मेमोरीज़ में और हमारे लाइफ में, जब तक हम जिएंगे दादा हमारे साथ रहेंगे, सो वी आर मिसिंग हिम सो मच, बट उनकी ब्लेसिंग्स है, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और जैसा कि दादा ने बहुत सारे पार्ट्स में फिल्म को देखा है, बट उनकी विश थी कि वो फिल्म को थिएटर में देखें, तो उनकी विश को ही हम पूरी कर रहे हैं आज, और इसीलिए ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है उनकी याद में, और फिल्म, ये दादा की आखिरी फिल्म, लास्ट फिल्म है, और उन्होंने एक गाना भी गाया है जो कि बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, बहुत ही डांसिंग नंबर टाइप का सॉन्ग है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने इंस्टा पे रील्स बना बना के पोस्ट किया है, सो इट्स डेफिनेटली रिमार्केबल प्रोजेक्ट फॉर अस, क्योंकि ये दादा का आखिरी प्रोजेक्ट तो था ही, बट हमारे दिल के बहुत करीब रहेगा ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले हमने दादा को खोया है, सो एक पेन तो है दिल में डेफिनेटली, एंड वी आर फुल ऑफ पेन, बिकॉज वी ऑलवेज लव हिम, एंड वी नेवर, कभी हम नहीं भूल सकते उनकी यादों को, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ याद करने के लिए, बहुत कुछ हमारे साथ छोड़ा है, और एक पेरेंट्स की तरह, एक मेंटर की तरह हमेशा मुझे बहुत सारा गाइड किया, हर चीज़ में उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं अच्छा काम करूं, मेहनत करूं, और हमेशा मुझे इंस्पायर किया कि मैं मेहनत के साथ आगे बढ़ूं, तो बस यही है, ये मेहनत की है प्रोजेक्ट में, एंड मेरी ये विश थी कि ये फिल्म दादा देखें और दादा के साथ हम इसकी स्क्रीनिंग करें, बट डेफिनेटली ऐसा सोचा नहीं था कभी कि ऐसा हो जाएगा, हमें पता था कि दादा की तबीयत ख़राब है, दादा बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, बट ऐसा लगता था कि नहीं, दादा ठीक हो जाएंगे, एंड वो फिर से क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था दादा के साथ, एक अधूरा संगीत,
जो दादा उसको डायरेक्ट करना चाह रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी और मुझे लगता नहीं है कि मैंने बहुत, जैसे कि 9-10 साल से ही मैं दादा के साथ थी, तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं इतने कम टाइम से दादा के साथ में हूँ। तो बहुत ही लंबा एसोसिएशन लगता था और उनका गाइडेंस डेफिनेटली मुझे लाइफ में आगे काम आएगा। सो बस मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि बस आप सबका थैंक यू कि इतनी मेमोरेबल इवनिंग में आप सब आए हैं, और डेफिनेटली दादा की बहुत सारी यादें आप सबके भी साथ होंगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए शुरू से ही, और बहुत मेरे मंजू जी के घर पे बहुत सारे चक्कर लगे हैं इस फिल्म को लेकर के, और अभी हम प्रमोशन के लिए गए थे अयोध्या और लखनऊ भी, और उसी दौरान हमें खबर मिली दादा के बारे में। तो मंजू जी जो है वो बहुत कनेक्टेड थी दादा से, तो बहुत इमोशनल हो गए, उनको बड़ी मुश्किल से हमने संभाला, और ये चाह भी नहीं रहे थे कि अभी फ़िल्म को रिलीज़ करें, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये दादा की आखिरी फ़िल्म है और दादा चाहते थे इसको रिलीज़ करना जल्दी, तो उनका सपना हम पूरा करेंगे। तो इन्होंने आज रिलीज़ किया है दादा के लिए, हमने बहुत मेहनत करी, बहुत कॉमेडी फिल्म है, आप सब जब देखेंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, पूरी मूवी कॉमेडी से भरी हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक फोटो मान के लिए एक फोटो तुम्हारे चक्कर में सर, एक मिनट एक फोटो देखी इधर से ले लेते पंकज इधर प्यार में थोड़ा ट्विस्ट काफी अच्छा ट्रेलर था, क्या आपने ट्रेलर देखा? पांच प्रीमियम है तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अब जो देखा है मैंने प्यार में थोड़ा ट्विस्ट नाम ही देखो ना, अभी लोग कितना डिप्रेशन में है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मूवी देख के थोड़ा लोग हंसने से सीखेगा, क्या अभी तो लोग हंसना ही भूल गए। मैं ये मूवी के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि ये बहुत अच्छा सक्सेस हो, और मैं सब दुनिया वालों को बोलूँगी प्लीज़ थोड़ा हंसने के लिए प्लीज़ आओ थिएटर में देखो, थोड़ा हंसना सीखो, हंसना चाहिए। थैंक यू। खुश रहना। म्यूजिक बप्पीलहरी जी ने दिया, बप्पीलहरी। हाँ, और एक बात, आज जो म्यूजिक है ये मूवी में मैंने सुना, दीदी ने मुझे सुनाया था थोड़ा सा, तो मुझे वो फील से यहाँ पे खींच के लेके आए कि बप्पी दादा जो आज नहीं है हम लोग के साथ वो ये मूवी पे जुड़ा है। प्लीज़ मैं चाहती हूँ दादा के लिए भी आप लोग आइए, उसका थोड़ा सा इज्जत और क्या दे सकेंगे हम लोग, ये मूवी के साथ में हम लोग थोड़ा सा दादा को शरण करना चाहती हूँ। दादा जहाँ भी रहें ये मूवी के साथ सब याद करें। थैंक यू दादा। पार्थ दादा
पूछता था क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले बप्पीदा को कितना मिस कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये लास्ट फिल्म थी उनकी, उन्होंने पूरा म्यूजिक कंपोज किया है फिल्म का, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बापी को हमारी फिल्म में तो बापी तो थे ही, और मेरे साथ कम से कम 7-8 फिल्में किए हैं ऑलरेडी, उनका काफ़ी गाने भी बहुत हिट हुआ, दालाल का गाने गुटुर गुटुर बहुत हिट गाना है, गीत का गाने, उसमें सबसे बड़ी बात है ये लता दी गाए थे गाना गीत का, और बापी उसका म्यूजिक डायरेक्टर था। बापी म्यूजिक डायरेक्टर इतना बड़े जगह पे थे जे हमें उसके लिए कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो लोग जानते हैं, सुने हैं, देखे हैं, एक ब्रांड हो गया था बापी लाहिरी, पर इंसान इतना अच्छे थे वो शायद सब लोग को मालूम नहीं, क्योंकि सब लोग मिले नहीं होंगे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे, मतलब कोई भी आए, छोटे बड़े, छोटे प्रोड्यूसर, बड़े प्रोड्यूसर और भी बड़े, पर सबको इज्जत से बैठाना, सबके लिए उनको चाय और मिठाई आ जाता था घर में, बंगाली थे तो मिठाई का शौकीन भी थे। बाकी ऐसे है जे ऐसे इंसान चले गए, अभी जाना सभी को है इसका बात नहीं है, पर वो एक बहुत बड़े जगह खाली करके गया इंडस्ट्री में, क्योंकि आज भी बहुत कुछ वो देने के पोजीशन पे थे इंडस्ट्री को, आज भी वो दे रहे थे गाने हमारी इस पिक्चर में, प्यार में थोड़ा ट्विस्ट में उनका गाने हैं, उनका आवाज़ भी है, तो शायद ये लोगों को याद रखेगा लोग ये बापीदा का लास्ट पिक्चर, लास्ट सॉन्ग और लास्ट पिक्चर था वही, लास्ट पिक्चर वॉइस में बोला ना भाई, गाने गाए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, काफ़ी कमाल का ट्रेलर लग रहा है, किस तरह का रिस्पांस आपको मिला और आज फिल्म में क्या कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आपसे? देखिए, आज जब मैं अपने घर से निकला ना तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई इस फिल्म में यूनिक क्या है, तो सबसे पहले मेरे जबान से सिर्फ एक ही बात निकली कि बप्पीदा की ये आखिरी फिल्म है, तो ये अपने आप में मतलब यादगार है, और हमारी फिल्म को सिर्फ बप्पीदा के म्यूज़िक की वजह से भी याद रखा जाएगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो, और अगर कोई इंसान संगीत से प्यार करता है ना तो इस फिल्म को देखने के लिए वो ज़रूर से ज़रूर आएगा। और रही बात यह कि ये मेरी फिल्म है कि मैं इसकी तारीफ़ करूँ, ये बनता है, लेकिन मैं इसकी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद में लोग और दर्शक इसकी तारीफ़ करें, और मुझे बिलीव है कि ऐसा होगा, क्योंकि मैंने देखा है सर को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर की अब तक की, उन्होंने कई फिल्में की हैं, अब तक की सबसे बेस्ट एक्टेड फिल्म है ये, और मुझे सर से बहुत उम्मीदें हैं कि इस फिल्म के बाद में सर के साथ हम दोनों की, सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बनेगी। और बिल्कुल बिल्कुल, आपका लिखने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, और जब ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो अभिषेक ने मुझे जो है काफ़ी मुझे देख के जो है इन्होंने जो है ये स्टोरी लिखी है, और इनका लिखने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरी है, लोगों को जो है 8 पिक्चर रिलीज़ हुई है, तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो ट्रेलर है वो लोग जो है पसंद कर रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है सर, और आगे भी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और इसी तरीके की स्टोरी आप लिखें। थैंक यू, थैंक यू सर।